नमस्कार, मैं हूं ललिता चक्रधारी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। चले डालते हैं एक नजर सुबह की ताजा खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगी। सरकार अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करेगी, 3 रुपए तक कम हो सकते हैं दाम। बिहार में नीतीश कुमार को सरकार चलाते 15 साल पूरे होंगे, उनकी पार्टी इसका जश्न मनाएगी। 180 भारत गौरव ट्रेनें चलाएगी सरकार, प्राइवेट कंपनियां लीज पर ले सकेंगी। सत्र से पहले सांसदों से मदद मांगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी एमपी को पत्र लिखा, संसद में किसानों का मुद्दा उठाने का आग्रह। छत्तीसगढ़ ने मांगा कोरोना का बूस्टर डोज, सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी में लिखा, 6 से 9 महीनों में खत्म हो रही है इम्यूनिटी। संयुक्त किसान मोर्चा मनाएगा किसान मजदूर संघर्ष दिवस, कई नेता हैदराबाद में 25 नवंबर को होने वाले महाधरना में होंगे शामिल। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में आया सुधार, AQI 280 पर। अनिल घनवत ने CJI को पत्र लिख कृषि कानूनों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।